वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इंटीग्रेशन का, कर लो सोल्व, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेट कर लो कि इंटीग्रेशन, ठीक है ना, हमने इस चीज़ का फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जो भी स्टेटमेंट हो एक बार तो उसको लिख लो इस तरीके से। अब इसके बाद देखो, एक तो न्यूमेरिकल को हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। क्यों? देखो, एक तो मतलब डायरेक्ट सोल्व करने का मतलब केवल एक तरीका काम की ये भी बात है ना, एक तरीके सोल्व कर दिया लेकिन उसका फ़ायदा है नहीं। क्यों? जब तक आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे तब तक कोई फ़ायदा है नहीं। मेन क्या है मैथ्स में, प्लस टू क्लास में वही है, ठीक है ना। बड़ों के लिए क्या होता है मेन, सोचने का काम। और तो बेसिक है, कैलकुलेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। मेन है सोचना कि किस किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व हो सकता है, ये है मेन बात न्यूमेरिकल में। अब देखो क्या क्या पॉइंट बनेंगे। देखो पहला पॉइंट, इस न्यूमेरिकल को देखकर ही दिमाग में क्या बात आ जानी चाहिए अब तक आपके, कि डिवाइड में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब बताया था क्या, कि पावर, मैक्सिमम पावर दो की किसी भी वेरिएबल की। नॉर्मली प्लस टू में एक्स वेरिएबल ही डिसाइड होता है जब एक की बात हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये दिख गई होगी आपको। और सिंपल क्वाड्रेटिक है मतलब प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। प्योर कौन सी होती है, बीच वाली टर्म नाउ, ठीक है ना, जिसमें मतलब एक्स की वन पावर हो उसमें होते हैं बीच वाली टर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस बात का ये मतलब है कि इसी को ये लिख दो आप, जैसे प्लस एट को पहले लिख दो, ठीक है ना, तो बीच वाली टर्म तो ये हो जाएगी, वो चीज़ गलत है, ठीक है ना। टर्म का मतलब होता है प्लस माइनस से डिसाइड करना, लेकिन यहाँ पर बीच का मतलब होता है कि मतलब कम, वन एक का एक पावर कम कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ये मतलब हुआ, सही है। तो ये केवल क्वाड्रेटिक है, और इसके लिए डायरेक्ट एक वर्किंग रूल होता है, ठीक है ना। क्या होता है वर्किंग रूल, कि जैसे डिवाइड में इस तरीके से इंटीग्रेशन करना हो अपने, सही है। सिंपल सी बात है। इसके लिए एक काम कर लेना आप, जो कभी के रिवीजन वाली प्लेलिस्ट थी वो जरूर चेक कर लेना, इंटीग्रेशन की कुछ काम की बातें बताई थी आपको कि किस किस तरीके सोचना होता है इंटीग्रेशन में, सही है। अब ये टाइप के लिए क्या बताया था आपको, डिवाइड में क्वाड्रेटिक, तो इसको कन्वर्ट करके क्या बना लो, डिवाइड में प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब केवल और केवल हमने ये बीच वाली टर्म खत्म करनी है, तो इस तरीके से, सही है। इसके बाद फिर फॉर्म चेंज होगी क्या, कि जब डिवाइड में प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए उसके बाद इस टाइप के न्यूमेरिकल मतलब डिवाइड में क्वाड्रेटिक, तो इंटीग्रेशन के प्लस टू क्लास में उस चीज़ के सात फॉर्मूले होते हैं। बेसिक बातें बताई थी, जब डिवाइड में हो, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो डेनोमिनेटर में, सही है। और जब न्यूमरेटर में हो मतलब सेम कंसेप्ट, न्यूमरेटर मतलब ऊपर आ जाए, ठीक है, तब तीन फॉर्मूले होते हैं। सारी बातें बता चुके हैं, कभी रिवीजन वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना आप। तो इस तरीके से तो ये है वर्किंग रूल, इस तरीके से सोचना आपने, सही है। तो इस तरीके से सही है। अब यहाँ पर अब ये कहोगे आपकी, यहाँ पर चॉइस की तो बात हुई नहीं, ठीक है ना। इसके लिए वही है, चॉइस कब होती है, बात तो ये भी ना, यहाँ पर चॉइस क्यों नहीं बन सकती, इस तरीके सोच लो, इस बात को अपोजिट करके कोई भी बात है उसको रिवर्स करके सोच लिया करो। अब यहाँ पर और चॉइस नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि एक तो ऊपर ये है केवल वन है, मतलब और अलग फंक्शन नहीं है, मतलब कोई और टर्म होती ऊपर नीचे और अलग फैक्टर होते उसके हिसाब से सोच सकते थे, एक तो उस वजह से चॉइस नहीं बन सकती न्यूमेरिकल में। उसके बाद एक चॉइस क्यों नहीं बन सकती, जो नीचे क्वाड्रेटिक है उसका वो डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला नहीं होता, इस बात का मतलब इस तरीके का फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अब ये कहोगे आपकी प्लस का ही क्यों, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये बीच वाली टर्म होती है ना, इसका सिंबल ये डिसाइड करेगा कि प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा या फिर माइनस का। सिंपल सी बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर प्लस का टू ए भी आता है और इसमें माइनस का टू ए भी आता है। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ तो इसके हिसाब से सोचेंगे, सिंपल सी बात है, बताओ क्या इसमें, सही है। अब देख लो, अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है तो मतलब ए क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स हो जाएगा, सही है, प्लस का साइन, इस बात का ये मतलब हुआ। यहाँ पर आप ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि मतलब ये वाला वर्किंग रूल अप्लाई करो, इस बात का एक तरीका बताएं यहीं पर डायरेक्ट, देखो क्या है, हाँ ये चॉइस कह सकते हो आप यहीं पर। देखो एक तो मतलब कुछ स्टेप करो बीच में,
मतलब प्लस टू क्लास में उसका वर्किंग रूल दिया हुआ है, ठीक है, या फिर वो ना अप्लाई करना चाहो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो आप इजीली, कैसे बताओ। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो वही है, वन लिखो या फिर ना लिखो आपकी चॉइस है, सिंपल सी बात, डीएक्स भी लिख सकते हो। अब देखो नीचे, अब क्या है, इसको कर लो ना कन्वर्ट, क्या देखो, अब ये एक्स का स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से सोचो, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर तो अंदर बन जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस का साइन, तभी तो एक्स का स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस का साइन, फोर एक्स है। अब इस टर्म के हिसाब से सोचना होता है, तो यहाँ पर तो जैसे टू तो फॉर्मूले वाला है, और फिर उसके बाद एक एक्स आ चुका है मतलब ये वाला, तो मतलब टू, तो मतलब एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बनेगा, सिंपल सी बात है, सही है, तभी तो फोर एक्स ये टर्म आएगी, टू इंटू इस फोर एक्स को ये नहीं नज़र आ रहा आपको, ये वाली चीज़, सही है। यहाँ पर हम ए को एक्स लेके चल रहे हैं और बी को टू लेके चल रहे हैं, इस तरीके सोच सकते हो। तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस का फोर आएगा, बी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर प्लस का फोर आएगा, प्लस का एट है तो मतलब प्लस का फोर अलग से बचेगा, बात खत्म। लो ये है चॉइस, सही है ना, मेन तो ये हमने कि यहाँ पर डायरेक्टली प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, बात खत्म, है आसान। यहीं पर प्लस टू क्लास में क्या होता है, मतलब बुक्स के हिसाब से कोई चले, क्या होता है वर्किंग रूल, क्या है, क्या होता है उसमें कि बीच वाली टर्म खत्म करनी, कैसे, उसके लिए एक वर्किंग रूल था, क्या, जो बीच वाली टर्म है उसका कोफिशियंट कितना, फोर, तो फोर का सबसे पहले उसका हाफ करो आप, इस तरीके से जो भी एक्स का कोफिशियंट है उसका हाफ करो तो टू आएगा, और उसका होल स्क्वायर कर देना, तो मतलब तो टू का होल स्क्वायर फोर, तो इस बात का ये मतलब हुआ प्लस का फोर ऐड भी करना हमने, माइनस भी करना है, वर्किंग रूल क्या होता है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सही है, इस तरीके से किसको कोफिशियंट ऑफ एक्स और उसको हाफ करके, पहले हाफ करना है फिर होल स्क्वायर करना है और फिर ऐड और माइनस करना है, सही है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। और अब आपको ये x प्लस टू का होल स्क्वायर क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4 आएगा ये वाला, और 8 माइनस 4, अब इसको सोल्व करोगे कितना बचेगा, प्लस का 4 लिख दिया, बताओ क्या इसके अंदर, है ना आसान, ये है चॉइस, मतलब उस वर्किंग रूल का केवल एक ही लॉजिक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लो, बताओ क्या इसमें, ठीक है, आप इस तरीके से भी ये बीच में लिख सकते हो और यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, हम चॉइस की बात बता सकते हैं आपको, आपके ऊपर है कौन सी चूज करनी है आपने, सही है, तो इस तरीके से। अब ये मतलब ये एक चॉइस तो इस वजह से ख़त्म हुई कि और कुछ फैक्टर नहीं थे न्यूमेरिकल में, और एक चॉइस यहाँ पर भी ख़त्म हुई, क्यों, मतलब मेरिकल इसी चीज इसी वर्किंग रूल से क्यों सोल्व करना हमने, क्योंकि यहाँ पर और कोई टाइप नहीं है, हो सकता है यहाँ पर नीचे पार्शियल फ्रैक्शन से भी न्यूमेरिकल सोल्व हो सकता है कि डिवाइड में क्वाड्रेटिक हो, लेकिन फिर इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को ना मिले, मतलब केवल एक टर्म, तब की बात होती है, सही है, तो इस तरीके से तब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है, मतलब फैक्टर एक होना, मतलब टर्म एक होनी चाहिए, मतलब इसके इंटू में समथिंग होता तब नहीं तंग करता, अभी दो टर्म है, टर्म पता चलते प्लस माइनस से, तो इस वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों नहीं यूज हो सकता, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी ऑप्शंस की बात होगी, तभी न्यूमेरिकल आसान लगेंगे, तभी। अब ये है न्यूमेरिकल, यहाँ पर देखा वो तो डायरेक्ट कहेगा कि डिवाइड में क्वाड्रेटिक है, ये है कंसेप्ट, बात खत्म, बताओ क्या सोचना, सिर्फ एक सेकेंड का न्यूमेरिकल है, अब आगे बच्चों वाली कैलकुलेशन, सही है, कर लो अप्लाई, तो इस तरीके से आ चुका रिजल्ट। अब इसके बाद इस चीज़ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो आप, तो जैसे कहने का मतलब है आपके ऊपर है, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना चाहो तो क्या कि मतलब इंटीग्रेशन करना हमने किसका, एक्स स्क्वायर ये पूरा एक्स का काम कर देगा, प्लस का साइन इस वजह से प्लस, ठीक है ना, फिर ए का स्क्वायर तो आप फोर को बना सकते हो टू का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है, इस तरीके से, सही है। और इस चीज़ का फॉर्मूला था क्या था, वही सात फॉर्मूले, वो देखो अब वो बेसिक न्यूमेरिकल या फिर बेसिक फॉर्मूले चेक कर लेना कभी के रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में, सही है। तो इसका फॉर्मूला था 1/a और इसके बाद टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, इस तरीके से प्लस का सी भी आता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो ये अप्लाई करो रिजल्ट निकालो, तो कितना हो जाएगा 1/
ए कितना हमारा 2 है, ठीक है ना, कंपेयर कर सकते हो। तो फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना, और वो है एक्स प्लस 2। इस तरीके से मतलब ब्रैकेट के अंदर एक्स का काम कर दिया, सिंपल सी बात है। और डिवाइड में ए 2 था इस तरीके से, और प्लस का सी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बेसिक न्यूमेरिकल है, डायरेक्टिव सोल्व मतलब डायरेक्ट तरीका पता होना चाहिए, तो इस तरीके से सही है। अब ये है काम की बात, मतलब ये वर्किंग फ्लो क्यों बार बार यूज कर रहे हैं हम, ताकि आपको दिमाग में ये तो पता होना चाहिए ना कि न्यूमेरिकल देखते ही आसान कैसे लगे। कब लगेगा? जब आप नंबर ऑफ चॉइसेस की बात कर सकते हो। और नंबर ऑफ चॉइसेस कब पता कर सकते हो? जब आपको अंतर दिखेगा, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, हर कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अब ये बता दी कि यहाँ पर ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, कह दो डायरेक्ट ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब फिर कहोगे आप कि जैसे होल स्क्वायर वाली बात आपकी समझ में आती है, क्या कभी ये भी बन सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब, या फिर बीच में वो प्लस माइनस वाला केस ले सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब पावर 2 से अलग कुछ भी, पावर 2 से अलग कुछ भी, फ्रैक्शन की भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, छोटी तो तंग करेगी नहीं इस वजह से, सही है। फ्रैक्शन वाली या फिर ज़्यादा, फिर नहीं, क्यों? क्योंकि उसके आप कह सकते हो उस टाइप के फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले नहीं होते, फिर इंटीग्रेशन के अलग कंसेप्ट अप्लाई करते होते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से अंतर भी पता होना चाहिए आपको कि कब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जब इक्वेशन या फिर सिंपल सी बात है क्वाड्रेटिक हो, मतलब मैक्सिमम पावर 2, तब की बात होती है। बताओ क्या न्यूमेरिकल में, तो ये फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।